Welcome to speedearning.com. Financial planning वित्तीय योजना, ये एक बहुत बजिंग वर्ड हो चुका है क्योंकि लोगों को फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम वेस्ट की और रेस्ट की दोनों कंसेप्ट को इस वीडियो में मिला के बात करते हैं। तो ईस्ट में, इंडिया में हमेशा से बात रही भारतवर्ष में कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीज़ें हैं जो हमको करनी होती है। तो पहले आप धर्म को संभालो, अर्थ को संभालो, काम को संभालो और उसके बाद आप मोक्ष के लिए आगे बढ़ सकते हो। और हमारे साथ जो परेशानी वो है दोहरेपन की। दोहरेपन की मतलब हमारे अंदर इंटीग्रिटी नहीं है। बातें हम आत्मा परमात्मा की करते हैं और कई बार देखते हैं कि चमन्ने में आदमी हिल जाता है। आदमी कहता तो है कि यार पैसा हाथ का मैल है, लेकिन उस मैल को धोने को कोई तैयार नहीं है। तो हमको जो सही लगता है, जो हमको ज़रूरी है, हम एक्सेप्ट करें कि हाँ उसकी ज़रूरत है और उसके लिए प्रयास करें। अब उस प्रयास में आप सफल होते नहीं होते वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुनिया को जवाब देना हमारी उतनी बड़ी समस्या नहीं है, खुद को जवाब देना हमारे लिए बड़ी समस्या है कि क्या हमने कोई ईमानदार और सही कोशिश कर ली थी। उसके बावजूद भी अगर हमको कुछ नहीं मिला है तो इट वॉज अवर डेस्टिनी, हम फिर बाद में माने इस बात को। भाग्य को मानना पूरी कोशिश करने के बाद में तसल्ली देने वाली बात है। कोशिश करने के पहले भाग्य को मानना मतलब आप अपने आप को एक नशा दे रहे हैं, भांग की गोली दे रहे हैं जो आपको हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक 15 साल का बच्चा, एक 25 साल का नौजवान, एक 40 साल का इंसान जो आप मिड लाइफ में चल रहा है, एक 55 साल का व्यक्ति जो रिटायरमेंट के करीब है और एक 70-75 साल के बुजुर्ग इंसान, उनके फिनांसिस का प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए और उसके लिए हम एक आउटलाइन दे रहे हैं। ये हर एक का अपना एक पर्सनल प्लान और पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, सबकी अपने अपने प्रायोरिटीज़ हो सकती है, तो इसको कोई और फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन हर चर्चा करने से हमको एक गाइडलाइन मिलती है, उस गाइडलाइन को फॉलो करने से बहुत सारी हमारी मेहनत कम हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 110 का नियम। एक चीज़ होती है रूल ऑफ 110, इसमें ये कहा जाता है कि आप अपनी एज को 110 में से घटा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि आप इक्विटी में अपना कितना पैसा डाल सकते हैं। तो 20 साल का व्यक्ति अगर चाहे तो 110 में से 20 को घटाया 90 सामने आया 90, सो यू कैन इन्वेस्ट 90% ऑफ योर मनी इनटू द इक्विटी मार्केट। 90% पैसा आप अपना इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास इंतज़ार को पूरा समय है। अगर 40 साल का आदमी ये करने जाएगा तो 110 में से 40 घटाया सामने आएगा 70, तो आप 70% अपना पैसा लगा सकते हैं। अगर 70 साल का आदमी 110 में से अपनी एज को घटाता है तो आंसर आएगा 40, आप अपना सिर्फ 40% पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं, बाकी 70% आपको सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसी जगह लगाना होगा कि अभी आपको ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, क्योंकि आपके पास इंतज़ार का समय नहीं है। तो आप लंबे समय के लिए पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, इक्विटी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो आपको ये अलाउड नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा इक्विटी में या शेयर्स में लगा के रखें। तो इस तरीके से हर एक फाइनेंशियल प्लान जो बनाते हैं उसके पीछे एक पूरी समझ काम करती है। उसके बाद होता है रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 आपको ये बताता है कि आपका इंटरेस्ट रेट को अगर 72 से डिवाइड किया तो कितने सालों में पैसा डबल हो जाएगा। तो जिसका इंटरेस्ट रेट 72 के रूल में हमने 8 डाला, 8% एफडी का रेट चल रहा है तो 9 साल में पैसा डबल होगा। जब 6% का रेट हो जाएगा इंटरेस्ट रेट तो 12 साल में पैसा डबल होगा। तो एक अच्छी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी में ये पॉसिबिलिटी कि आपका इंटरेस्ट रेट कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्ट का रेट अभी काफ़ी कम है। और पहले हमारे फादर वाली जनरेशन में उनको 14-16% तक का इंटरेस्ट रेट भी उन्होंने देखा था, 5-5-6-6 साल में जो सरकारी बॉन्ड होते थे, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र होते थे, 5-6 साल में पैसा डबल कर दिया करते थे। तो उनको उस वक्त ऐसा रिटर्न सेफ तरीके से मिल जाया करता था कि वो इक्विटी की तरफ नहीं आ पाए। उनके पास एक दूसरा रीज़न था इस तरफ नहीं आने का,
जो उनको तसल्ली दिए रखता था, पर धीरे 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 14, 12, 10, 8 होने के बाद भी वो अपने आप को बदल नहीं पाए, क्योंकि इंसान अपने आप को टाइमली अपडेट नहीं कर पाता है। सोशल चेंजेस बहुत धीरे से आते हैं, तो जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं हम कभी उस पर गौर नहीं करते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे, क्या अब भी वो करने का औचित्य है। तो इस टॉपिक में हम लोग आगे बात करेंगे, अपडेशन एक अलग टॉपिक होगा, पर 15 साल के बच्चे के लिए क्या सही होना चाहिए, सबसे पहले तो इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले लें, क्योंकि सबसे कम प्रीमियम में इंश्योर हो जाएगा बच्चा। तो कह सकता हूँ मैं कि 50 लाख रुपए का 1,500-2,000 रुपए में भी इंश्योरेंस हो सकता है 15 साल के बच्चे का। फिर SIP कर लें, तो रिलायंस, फ्रैंकलिन, ऐसे कुछ SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जहाँ पे 100 से लेके 500 रुपए महीने में भी SIP होती है। तो इक्विटी SIP एक बार कर ली तो कितना पैसा बनेगा ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सही आदत डालना। तो अगर 100-100 रुपए महीने की SIP कर रहा है आदमी, 5 साल का उसका लॉक इन होता है, 5 साल में 6,000 रुपये इकट्ठा होगा। पर अगर वो 6,000 रुपया 11,000 या 14,000 दिख रहा है उस इंसान को, तो उसको एक चस्का लग गया, अब एक सिलसिले की शुरुआत हो गई, वो पैसा लगाने के लिए कहीं से पैसा कमाने की कोशिश भी शुरू कर देगा, तो कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर देगा, पार्ट टाइम ट्यूशन देना शुरू कर देगा, तो इससे एक स्किल भी डेवलप होगी और आदमी में पैसे की समझ भी आएगी। क्योंकि हमने पहले भी किसी वीडियो में कहा है कि हमारे यहाँ पे 25 साल की उम्र तक एक व्यक्ति को पैसे से, लड़की से, इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है जो उसकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से शामिल होने वाली है। 26 की उम्र में शादी कर दी जाती है और कहा जाता है नौकरी पे जाओ पैसे कमा के लाओ, बिजनेस करो पैसे कमा के लाओ। आदमी को मालूम ही नहीं भाई क्या है, क्या है पैसा, क्या है नौकरी, क्या है छोकरी। तो 5 साल तो इससे लड़ने भिड़ने में, इसको समझने में, इसको एडजस्ट करने में निकल जाते हैं और गोल्डन पीरियड परेशानी में गुजर जाता है, क्योंकि पहले से कोई फेमिलियरिटी नहीं थी। अगर आपको दूरी रखना है जिंदगी भर दूर रख लो, अगर कल को आपको एंगेज करना है तो सही तरीके से बताओ ना, डरते क्यों हो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि या तो बचपन में बच्चा हर बात मेरी मानेगा, या बड़ा होने के बाद मेरी एक भी बात नहीं सुनेगा। दोनों बातें झूठी है, गलत है। बच्चा है तब भी उसकी इच्छा का आदर होना चाहिए, और बड़ा हो तब भी अगर ढंग से आप बात बोलेंगे तो आदमी सुनेगा। तो उसको एक मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन हर उम्र का अलग अलग होता है। तो हायर एजुकेशन का या फॉरेन में जाके पढ़ने का मोटिवेशन हो सकता है, उसको विजुअलाइज करवा सकते हैं आप, या एक अच्छी लाइफस्टाइल से गर्ल्स को इम्प्रेस करने की बात भी हो तो अगर वो उसको मोटिवेट करती है तो इट्स ओके, करने दो, ठीक है। वो एक इंसान अपना सही स्टार्ट लेगा, किक स्टार्ट लेगा। फिर 25 साल का यंग है, यंगस्टर, वो नौकरी कर रहा है, तो अब नौकरी करने में उसको क्या करना है, इंश्योरेंस का टर्म प्लान अभी तक नहीं लिया है तो अब ले ले, क्योंकि अब तो कमाई हो रही है। फिर इक्विटी और SIP, म्यूचुअल फंड की SIP, इक्विटी की SIP डाल सकते हैं, लमसम भी डाल सकते हैं। जब भी आपको कोई बड़ा खर्च करने की इच्छा हो, एक ट्रिप की इच्छा हो रही 40,000 में, तो वहाँ थोड़ा स्मार्ट तरीके से फंड मैनेज किया, 25,000 में वो काम किया, मस्ती भी ली पूरी, मतलब मन नहीं मारना पड़ता आदमी को, सिर्फ ध्यान देना पड़ता है कि वेस्टेज बचा ले, और वो जो लमसम बचा है उसका स्टॉक खरीद के डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मोटिवेशन हो सकता है, यहाँ मोटिवेशन हो सकता है हनीमून की तैयारी, कि आपको कहीं अच्छी जगह पर जाके हनीमून करना है, सिंगापुर, दुबई, सेशल्स। फिर स्टार्टअप आप कर सकते हो कि भाई 5 साल में मेरे को इतना पैसा इकट्ठा करना है कि एक बिजनेस का मैं कोशिश करूँगा, और फिर भले वो पैसा आधा रह जाए या ज़ीरो हो जाए, लेकिन सही उम्र में मैं अपने आप को एक मौका ज़रूर दूंगा, ताकि मैं बाद में जवाब दे सकूं कि हाँ भाई कोशिश कर ली मैंने। क्योंकि समय पे अगर आपने चीज़ें नहीं की तो आपको ये भ्रम बना ही रहेगा कि आप कुछ कर सकते थे या करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ये पता लग सकता है कि भैया मैं तो ये चाहता भी नहीं था, फिर ये मेरे को करना भी नहीं है। क्योंकि दूर से देखना तो फिर अलग बात होती है ना, चीज़ों को करके देख लेना बहुत अच्छा होगा। फिर एक वर्ल्ड टूर, वो भी एक अच्छा खासा मोटिवेशन हो सकता है। तो मोटिवेशन चाहिए हर उम्र में, ख़ासतौर पर
बैचलर्स को तो चाहिए चाहिए। फिर क्या है, कोई लेडी आने वाली जिंदगी में, लेडी अगर आई, गर्लफ्रेंड अगर आई, तो गोल्ड अपने आप साथ में आ जाएगा। तो गोल्ड को आप थोड़ा समझने देखने लग जाएंगे। फिर मनी मेकिंग पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इस वक्त कई बार ऐसा हो रहा है कि शादी के पहले ही आदमी फ्लैट या प्लॉट में अपना पैसा लगा देना चाहता है। अभी एक दाव में पैसा बनाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है और इस वजह से लोग 5-5, 10-10 साल के लिए अटक रहे हैं। तो आपको लगता है कि ज़मीन ये मेरा पैसा 3 साल में डबल कर सकती है, तो आप तो ज़मीन से बड़े हो। अभी आपके अंदर खून गरम गरम उबाल खा रहा है, कोई आइडिया लाओ, कोई तरीका लाओ। आप तो 3 साल में पैसे को 10 गुना कर सकते हो। तो पहले पैसा बनाने पे सोचो, उसके बाद में उस पैसे को कहीं पे पार्क करने के बारे में सोचना। तो अभी पहले आपका ध्यान बिजनेस या मनी मेकिंग पे होना चाहिए। और आज तो चारों तरफ रास्ते खुले हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, ऑफलाइन बिजनेस हो सकता है, कंसल्टेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक बार अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो रास्ते तो अपने आप निकल आएंगे। उसके बाद 40 साल की उम्र की लोगों के लिए बात होगी, तो अब वो अपना ज़्यादा फोकस इन्वेस्टिंग पे लगाएंगे, क्योंकि मनी मेकिंग हो चुकी है 15 साल तक। सही ढंग से अगर पैसा बनाया है तो सही समय पे इन्वेस्टिंग में फोकस कर पाओगे। तो अब आप गोल्ड, मकान या प्लॉट्स पे ध्यान दे सकते हैं। हम तो कहेंगे कि आप ज़्यादा ध्यान एक मकान जो रहने के लिए ले रहे हैं उसकी बजाय आप किराए के मकान में अपनी चॉइस का कोई भी फ्लैट ले लो, आपको 0.2, 0.3, 0.4% के रेंट में आराम से मिल जाता है। और इसकी बात अगर हम करते हैं, प्लॉट ले लिया तो अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। तो अब आप इक्विटी की और एसटीपी की प्रॉफिट बुकिंग चालू कर सकते हैं। 15 सालों में आपको कम से कम 3 बार प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिला ही है। हेल्थ इंश्योरेंस पर अब ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अब हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकते हैं। 55 ईयर्स की बात करें तो अब रिटायरमेंट की तैयारी हो चुकी है, आपके पास बड़े बड़े फंड आएंगे, तो आप बड़ा अमाउंट अब एफडी में डाल देंगे। एसटीपी और म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम अमाउंट डाल के रखेंगे, क्योंकि 110 के रूल की बात हमने की है। अब टिफ़िन खोलो, खाना शुरू कर दो। टिफ़िन खोलो, खाना शुरू कर दो, क्या चीज़ है कि इतना सारा पैसा जुटाया, अब आपके पास समय आ रहा है तो अपने पर खोल लो, क्योंकि वो जाम ही हो जाएंगे। हम सपने देखते रह जाएंगे, बाद में हमारी ताकत ही नहीं बचती, भूख मर जाती है। तो लोग, मैं कहता हूँ, पूरे ज़िंदगी टिफ़िन इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं, लेके घूमते हैं, और उनके जाने के बाद वो टिफ़िन डस्टबिन में डाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ कमाई उसका इस्तेमाल ही नहीं किया कभी, उसका सुख ही नहीं उठाया। और यही परंपरा वो आगे वाले लोगों के लिए छोड़ के चले गए। तो 70 साल का जो व्यक्ति हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। हेल्थ पे अब उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। जो कीमती तजुर्बा उनको मिला है वो तजुर्बा शेयर करना उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका सबसे बड़ा जॉय भी हो सकता है। तो सब्जी दूध लाने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए अपने तजुर्बे को आप ख़त्म मत कीजिए। मतलब सर्वाइवल आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में हर वक्त कुछ बड़ा करने की ताकत है। बस आप अपने आप को मौका दीजिए, और आपने जो कुछ भी इतनी मेहनत से कमाया है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो वेस्टेज है। तो ये प्लान था, पूरी तरह से आपकी लाइफ में आउटलाइन हो सकती है, इसको आप फॉलो कीजिए, मज़ा लीजिए पैसे का। बाय, थैंक यू।